हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका फिथैरी। और मैं हूँ प्रियंका। तो गुड मॉर्निंग, अभी बजे हैं सुबह के 8 और हमने ना आज चाय नहीं पी है। अंशु चले गया है स्कूल, थकान बहुत लग गई है। कल घर से आ गए तो इस वजह से थकान ना दूर नहीं हुई है। और आज तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है थकान की वजह से, और जबकि मेरा आज बहुत सारा काम है सफाई का। तो फिलहाल मैंने अभी सुबह का ब्रेकफास्ट बना दिया है। अंशु स्कूल चले गया है इसीलिए सबसे पहले मैंने ये जो काम होता है उसे निपटाया, क्योंकि वो भी लेके ही जाता है स्कूल के लिए लंच। तो इसीलिए लंच बना, इसके लिए लंच तैयार कर रही थी। तो मैंने हाथों हाथ अपने लिए भी, मतलब हम दोनों के लिए भी मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना दिया। और झाड़ू वाड़ू ना कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, मतलब काम कैसे होगा। कपड़े भी नहीं धोए, और तो और मैंने कपड़े में भिगो के आ गई हूँ। अभी कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, और काफ़ी काम है मॉर्निंग के जो मैंने नहीं किए हैं। तो चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा मुझे सर में दर्द सा हो रहा है आज, मुझे ऐसा लगता है थकान से हो रहा होगा। तो चाय पी लेते हैं और जो काम है ना फिर उससे निपटाएंगे। तो चाय मैंने बना दी है, चाय पी लेते हैं। सर में दर्द होगी। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, वॉश करके इसमें रख दिए हैं। बर्तन तो वॉश हो चुके हैं, गंदगी बहुत लग रही है घर में, धूल धूल सी लग रही है। चाय के साथ मैंने ले ली है पफ। मन कर रहा है सो जाऊं, साल लग चुकी है बहुत ज्यादा। टीवी चली है कपिल शर्मा शो, सुबह सुबह यही चलता है हमारे घर में कपिल शर्मा शो। चाय पीने के बाद तो नाश्ता करने से पहले जो है झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और आज तो मुझे ऐसा हो रहा था ना, मतलब मैं थोड़ा काम कर रही थी फिर बैठ जा रही थी, थोड़ा काम कर रही थी फिर बैठ जा रही थी। मतलब वो होता नहीं काम करूं या मरूं, मतलब कुछ इस टाइप का होता नहीं। काम करना मतलब एक सजा सी लगती है जब आप बहुत थके होते हैं। तो वही हो रहा था, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी फिर बैठ जा रही थी। बट पूरी सफाई तो नहीं की, वो मैं बाद में करूँगी। बट जैसे जो छोटे मोटे हल्की फुल्की सफाई है ना वो मैं कर लूँगी, झाड़ू पोछा, और थोड़ा थोड़ा कपड़े वपड़े भी मार लूँगी। और कुछ कपड़े मैंने कुर्सियों पे रखा है क्योंकि मुझे उन्हें वॉश करना है। कुछ वॉश कुछ तो बैग में भी हैं, उन्हें भी संभालना है। मतलब मैंने अभी तक सामान भी जो है जगह पर नहीं लगाया, क्योंकि कल हम ना बहुत लेट में आए थे। मतलब हम जब पहुँचे तो रात हो चुकी थी, फिर उसके बाद कितने सारे काम रहते हैं से निपटाए। तो जो है हल्की फुल्की सफाई वफाई कर लेते हैं, फिर जो है देखते हैं क्या काम है।
ऊपर मंदिर में और सीढ़ियों में मैं पोछा लगा चुकी हूँ पहले ही, और किचन में भी मैंने मार लिया है। अब दो रूम और बाहर जो है बचा है, एक ये रूम बचा है और बाहर, फिर उससे बाहर बचा है थोड़ा सा। तो आज मैं ना तो वाइपर में जो है पोछा, उसे वैसे तो मैं हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बट आज थोड़ा सा मैंने वाइपर का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ना नीचे जो है बेड के नीचे हाथ नहीं जाता है, तो कभी जो है मैं इससे भी मार लेती हूँ कभी कभी, और ज़्यादातर मैं वैसे हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। तो गाइस झाड़ू पोछा भी यहाँ मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है। झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना मैंने कपड़े धो लिए थे। वैसे कुछ कपड़े मैं घर से भी धो के लेके आई थी, और कुछ कपड़े मेरे वैसे एक एक दो दो जोड़े कपड़े बचे हुए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो उनको धो के सुखाने डाल दूँगी। और आजकल ना बहुत तेज़ धूप है, जो कि ज़्यादा देर तक कपड़े वैसे रखने नहीं चाहिए, वरना उनके कलर निकलने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने तो जो है 2-3 घंटे बाद नीचे ले आती हूँ कपड़ों को। का काम ना बहुत मुश्किल से निपटा है, मेरा बिल्कुल भी काम करने को मन नहीं था कि ये तो खाने के लगे। हाँ, फटाफट से नाश्ता करते हैं, और दूध आ गया था, दूध मैंने गर्म कर दिया। नाश्ता वास्ता करके मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, और उसके बाद जो है दोपहर का खाना बनाएंगे। जब तक मैं थोड़ा सा मतलब आराम नहीं करूँगी ना, तब तक मुझे मतलब वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, तो मैं फिर कुंभक रहने वाली नहीं हूँ। तो सुबह के नाश्ते की प्लेट मैंने लगा दी है, और इसमें है एक गिलास मट्ठा, सब्जी और रोटी वगैरह है। तो मैंने तो सोचा था मैं आराम करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। नाश्ता वास्ता करने के बाद जब मैंने पूरे काम निपटाए, तो हमारा जो है एक नया प्लान बना, जो आप आगे सुनेंगे। हाय एवरीवन, तो सुबह का मेरा जितना भी काम था गाइस सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया है, और अभी बज रहे हैं 11। तो मुझे ना आप लोग को कुछ बताना था, वो ये कि मैंने बीच में वीडियो में कहा, आपको बताया था कि मेरी बुआ की लड़की की शादी है और मैं जा नहीं पा रही हूँ, मगर प्लान बन चुका है। अभी अभी 2 घंटे पहले ही प्लान बनाया है, मैं बागेश्वर जा रही हूँ, ये और मेरी नानी और मेरी बुआ बागेश्वर में रहते हैं, और एक ही गांव में रहते हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं। तो एक पंथ दो काज यहाँ पे मेरे हो जाएंगे। प्लान ऐसा कुछ था नहीं गाइस, मैं कल ही घर से आ रखी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, और बुआ का मेरे पास फ़ोन भी आया था, मुझे डर भी लग रहा था, और मैंने ना बुआ से झूठ झूठ ये भी कह दिया था कि हाँ बुआ मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी। बुआ ने कहा था पक्का आना, और इतने बच्चों की शादी हुई, मैं ना कि मैं जा भी नहीं पाई, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं बुआ से कैसे कहूँगी। तो मैंने झूठ बोल दिया था उन्हें कि हाँ मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी, बट मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। और मगर प्लान बन चुका है पहाड़ जाने का, क्योंकि मेरा ना नानी से मिलने का ज़्यादा मन है, नानी की तबीयत ख़राब हो रखी है, फिर पता नहीं मुलाकात हो पाए ना हो पाए, कितने साल हो गए नानी से नहीं मिली। तो सबसे ज़्यादा कारण मेरा यही है कि मैं एक बार नानी से मिल लूँगी। मम्मी तो मिल के आ चुकी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी मिल लूँगी। तो कल ही घर से आ रखी हूँ, शादी है, मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी, कोई कपड़े नहीं ले रखे, मतलब कुछ भी नहीं कर रखा है, अब भी प्लान बनाया, तो कोई तैयारी तो नहीं है, बट कोई चाहिए बस मैं उनसे मिल लूँ, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। तो और जो मेरी छोटी बुआएं हैं वो तो निकल गई हैं, और जो चाचा हैं वो हमारे साथ जाएंगे, चाचा चाची और जो मेरे भाई बहन हैं, हम सब शाम को निकलेंगे। और आज ना पता है क्या है, आज संगीत है वहाँ, इसीलिए तो अगर हमें जाना होता तो हम कल निकल लेते, कम से कम संगीत भी अटेंड हो जाते, बट प्लान ही नहीं था ऐसा जाने का। तो कल है शादी और परसों है पार्टी, और हम उसके अगले दिन आएंगे, और हस्बैंड जी गए हैं स्कूल, हाँ मैम से बात करने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ तो बहुत हो चुकी हैं, बट अभी शुरुआत है ना स्कूल में,
पढ़ाई का एडमिशन वगैरह भी चल रहे हैं, तो इस वजह से तो जो है पढ़ाई हल्की फुल्की चल रही है। मैम ने ऐसा कहा है कि अभी उतनी पढ़ाई नहीं हो रही, शुरुआत ही है, आप जा सकते हो। और मैंने एक चीज़ बीच में बहुत अच्छा किया, मैंने अंशु को ना दो तीन बुक्स में से, मैंने दो तीन मतलब सारे सारे तो नहीं कह सकती, तीन चार बुक्स में मैंने उसे तीन तीन चैप्टर तक पढ़ा दिया। ये चीज़ अच्छी हुई, जब तक हम वापस आएंगे तब तक मैम वहाँ तक पहुँचे रहेंगे, मतलब आगे तो नहीं पहुँच रहेंगे इतना मुझे विश्वास है इतनी जल्दी। और तो यही होता है पहले पढ़ाने का जो ये रहता है ना, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो बाकी जो भी अगर ऐसा होगा कुछ भी मैनेज करना पड़ेगा पढ़ाई का। तो गाइस दोपहर का खाना बनाना है और शाम को निकलने की तैयारी है हमारी, 5 बजे 5 बजे हम निकल जाएंगे और हम मॉर्निंग में पहुंचेंगे 6 बजे। सफ़र बहुत लंबा है, मकोट ये कहते हैं ना, मकोटी कहते हैं। मैं आपको अपने मकोट लेके चलूँगी, मतलब मामा के घर। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। और वीडियो का मेरा ऐसा रहता है ना, मैं के मतलब मैं और लोग जैसे ब्लॉग देखते होंगे, सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बट मेरा ऐसा है ना, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ खो जाती हूँ। मतलब मन नहीं करता ना, जब सब मिलते हैं तो किसको पड़ी है यार वीडियो बनाने की, मतलब सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, किसको पड़ी है वीडियो बनाने की। बट जो भी है थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, देखते हैं कैसा होता है। तो खैर बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं है, शादी भी है, बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। कपड़े हमें थोड़े बहुत रखने पड़ेंगे, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तीसरे दिन हमें वापस आना है, तो उस हिसाब से जो है 2-3 जोड़े कपड़े रख लेते हैं, पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, फिर शाम को निकलना है। तो गाइस मैं तैयारी व्यारी कर लेती हूँ और फिर शाम को जब हम निकलेंगे ना मैं तब आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और अभी कितना बज रहा होगा, 6 बजे होंगे, 7:54। ओ 7:54 हो गए हैं और हम अभी निकल रहे हैं। हाँ आपका फोन था पापा का पता नहीं। गाइस चाचा चाची भी आ चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी, मैं बिल्कुल हल्के कपड़े पहन के जा रही हूँ। तो हमारा पूरा रात का सफ़र है और हम पहुंचेंगे सुबह, और मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। जो भी मेरी वहाँ की वीडियो रहेंगी वो आपको मेरी अगली व्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। तब तक के लिए बाय एवरीवन, आप लोग तो सो जाओगे और हमें तो पूरा सफ़र करना है, वैसे हम गाड़ी में सो जाएंगे, देखते क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, बाय एवरीवन।